हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल यस तो आज फिर आप देख रहे होंगे कि मैं अपने मेकअप में बैठ के आप लोगों के साथ कुछ बातें करने आई हूँ क्योंकि मुझे बस मन कर रहा था कि कुछ तो आ, मतलब बस कुछ बातें शेयर करने का मन कर रहा था क्या मैं सोचती हूँ मैंने कहीं ना बहुत रिसेंटली कहीं पढ़ा है कि हम अपने माइंड को Uh, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इट्स वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी ना हम uh, हमारे हम सबकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम सबकी लाइफ बहुत ऊपर नीचे वेव्स की तरह बोलते हैं ना कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे सभी की लाइफ है और हर किसी को लगता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं लाइक like, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है मैंने ऐसा क्या कर दिया लाइक मैं मुझे क्यों ये सब झेलना पड़ रहा है लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके आसपास अगर आप देखो कि उनकी लाइफ में भी बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं बट फर्क ये पड़ता है कि कुछ लोग उन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं इन देंस कि वो वही जो मैं बोलती हूँ फ्रिक्वेंसी हमें ब्रेन की माइंड की हमारी जो घुमानी पड़ती है आ, मैं वैसे आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो लोग मुझे जैसे जानते हैं या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जिनको मेरे बारे में पता है तो आई एम श्योर दे नो इट कि आई वॉज गोइंग देर वॉज अ टाइम जब मुझे डिप्रेशन इश्यूज़ था एंगजाइटी एंड बाइपोलर आई यू टू टेक मेडिकेशन फ़ॉर दैट एंड मैं बहुत मैंने अपने पे वर्क किया है इनफैक्ट मतलब आई वॉज नॉट इन अ गुड मतलब सही फेज में नहीं थी मैं उस टाइम पे मेरा Uh, मतलब मैं बहुत प्रॉब्लम थोड़ा सा आई वॉज नॉट फीलिंग फाइन लाइक यू नो आई वॉज गोइंग थ्रू दिस मेंटल हेल्थ इशू तो बट द थिंग द गुड थिंग इज़ दैट कि मुझे पता चला तो मैंने उस चीज़ को कैसे एड्रेस करना है क्या करना है उसके बारे में क्या करना है वो स्टेप्स लिए सो so, नहीं एक्जैक्टली exactly मैं आज मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि, कि कितने बार क्या होता है कि हमें पता होता है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कि ये अगर मैं करूँगा तो ये मुझे या करूँगी तो इस चीज़ से मुझे आ, मतलब ये मेरे लिए हार्मफुल होगा या मेरी डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होगा मेरी ग्रोथ के लिए हार्मफुल होगा मेरे पर्सनल चीज़ों के लिए हार्मफुल होगा मेरे अपने लिए हार्मफुल होगा बट फिर भी हम वो करते हैं क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते काबू नहीं कर पाते हैं। तो आ, मैं मुझे ये बात तब भी किसी ने बताई थी आ, किसी ने क्या मॉमजी उन्होंने मुझे ये बात बताई थी मॉमजी मैं उनको ए, एक हैं जो मेरी खास हैं मतलब आ, मेरी बहुत करीबी हैं उनको मैं मॉमजी इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि आ, मैं उनको अपने माँ का दर्जा देती हूँ माँ जैसा मानती हूँ तो उन्होंने मुझे बताया था वेन आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज़ यू नो डिप्रेशन फ़ेज़ uh, uh, में थी जब मैं तो uh, हमेशा मुझे बार बार बहुत चीज़ें मुझे समझाती थी, थी तब उन वो मुझे बताती थी कि हम हमारा दिमाग हमें पूरी तरह से क्यों कंट्रोल करता है हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए कि uh, जब भी हमारा दिमाग हम पे हावी होने लगता है तो हमें स्टॉप करना चाहिए स्टॉप इट लाइक कितने बार हमें पता आई एम श्योर आप सबको पता आप सब पत, ने ये सब महसूस किया होगा कि कितने बार हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है बट फिर भी हम उस चीज़ में इतना डूब जाते हैं ना कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम वो कर बैठते हैं और बाद में फिर हम पछताते हैं ठीक है तो इट्स बेटर कि जब हमें पता है कि वो रॉन्ग है तो कुछ सेकेंड्स लगता है कुछ पल ऐसे लगते हैं कि बस हम वो कंट्रोल कर पाए अब एग्जाम्पल्स मैं बहुत सारे दे सकती हूँ आप लोगों को पहले तो अगर मैं हेल्थ रिलेटेड बोलूं कि कितने बार हमें पता होता है कि जैसे ये खाना हमारे लिए हेल्दी नहीं है बहुत ही अनहेल्दी है लेकिन हम हमें पता यार ये आई नो इट्स वेरी अनहेल्दी लेकिन आई कान कंट्रोल इट यार ये बोलते हैं क्यों नहीं यार अनहेल्दी है नहीं खासना बट आप कैसे कंट्रोल नहीं कर सकते जस्ट से योर टेल योर माइंड कि ओ प्लीज़ यू डोंट टेल मी कि मुझे ये खाना है आई एम टेलिंग यू कि तुम्हारे मन में तुम्हारे दिमाग ये थॉट आना ही नहीं चाहिए कि तुम्हें ये खाना है जस्ट डोंट डू इट उसको मतलब प्रूव करके दिखा दो सेकेंड जब ये थाट आता है कि दैट यू जस्ट वॉन्ट टू एंड योर लाइफ राइट वो uh, वो थाट आता है बट वो एक, एक कुछ बस वो आता है लेकिन उस समय वो भी हमें पता होता है कि ये हम जो कर रहे हैं उस मतलब वो रॉन्ग है आई नो उस समय डिसीजन ऐसा होता है कि सही गलत नहीं समझ में आता बस वो एक ऐसा होता है कि नो नो नोट जस्ट टॉपिक जस्ट वो एक यू you नो know, ऐसे माइंड को ये कर लो हो जाएगा सब हो जाता है हम कुछ लाइफ में कुछ चीज़ ऐसे करना चाहते हैं और uh, uh, करने लगते हैं कि जो हमें पता है कि वो रॉन्ग है ये इस चीज़ से कुछ हासिल नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है तो भी हम उसकी तरफ ही uh, uh, हमारा झुकाव उसी तरफ होने लगता है क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं तो वहीं अगर हम अपने आप पे कंट्रोल कर लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको भी कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा आपको भी कभी आ, आ, आपने कुछ जंक फूड खा लिया बाद में कितना रिग्रेट होता है कि यार शर्ट यार ये नहीं करना चाहिए था सी कभी कभी आप लाइफ में आ, अपने रूल्स आप खुद ही बनाओ मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं इट्स नॉट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टॉपिक ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी डाइट एंड ऑल मोटा पतला mm -hmm. ये सब मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ ठीक है अगर हम वो अलग टॉपिक होगा ये मैं बस अपने माइंड को हम अपने दिमाग में कैसे थोड़ी चीज़ों को ला सकते हैं और कैसे हम गलत चीज़ करने से अपने आप को रोक सकते हैं जो हमें पता है कि हमारे लिए वो सही नहीं है तो और रोज़ एफमेस बहुत मैटर करता है अगर आप हर बार पॉजिटिव एफर्मेशन्स जो होते हैं उसको दोहराओ उसको दोहराओ मतलब सुनो उसको बोलो कि नहीं मुझे यही करना है नहीं मैं तो ये करूँगी नहीं आज तो मैंने ये खाना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए मैं देखती हूँ कैसे मतलब दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन जस्ट बोलते हैं मेरे और मेरे इस थाट के बीच में ये थाट मुझे कैसा आ सकता है आज तो आएगा ही नहीं ठीक है कल का दिन मैंने इन इन, इन ख्यालों में इन इस सोच में बिता दिया लेकिन अब तो नहीं भाई अब नहीं होना ऐसा देख लेना सो यू डू समथिंग रीड बुक ऐसे म्यूजिक सुनो जो आपको पॉजिटिव थाट्स में लेकर जाए uh, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो वर्कआउट करो वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा राइट बट नहीं अब तो मैं करके दिखाऊंगी वर्कआउट अब तो मैं करके दिखाऊंगी सो so, आई नो इसके बाद ही बहुत सारी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी मेरे लिए ये चीजें वर्क कर जाती हैं uh, शायद। तो मतलब बहुत बार तो कर जाती है वर्क स्पेशली uh, पता है हर चीज कुछ ना कुछ सिखा के जाता है जब मैं uh, मेरे मेरे उस बैड फेज बोलूँगी बैड फेज भी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली उस फेज की वजह से मैं ना आज शायद से सीख पाई कि मैं कैसे अपनी आ, कुछ थाट्स को जिन जो मुझे पता है कि वो मेरे लिए हार्मफुल हैं वो थाट्स को कंट्रोल कर पाऊँ तो या आ, मैं उस शायद से सीखी हूँ और डेफिनेटली मैं कभी भी आज मैं मैं खुद भी बोल रही हूँ कि मैं कभी भी उस फेज़ में जाना नहीं चाहूँगी बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि कैसा फील होता है इट्स एंड अगर कभी मुझे कुछ ऐसे आ, बस आई नो नाउ आई एम जस्ट कि बस मुझे अपनी ये फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मतलब मुझे कोई ज्ञान नहीं देना था बस मैं ये बताना चाहती कि कि ऐसा करके मैं अपने आप को मतलब मैं अपने आप को बहुत बार बैलेंस कर लेती हूँ लाइक यू नो कि बहुत बार मुझे भी लगता है कि मैं ये करूँ जो कि सही नहीं है बट मेरे फिर माइंड को नहीं 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 आई नो इट्स नॉट ट्राई दैन वाई दैल एम इवन ट्राइंग मैं ये करूँ भी क्यों तो आई एल डू दिस मतलब मैं ये रास्ते चलूँगी ना कि ये रास्ते चलूँगी मतलब भले कितने बार माइंड आपको बोल रहा है खींच रहा था खींच रहा तो खींच रहा, खीच रहा तो मैं वापस उसको पुल करने की कोशिश करती हूँ सो so, बस ये बातें मुझे आप लोगों से बोलनी थी एंड लाइफ में हम सब की लाइफ में बहुत अप्स डाउन अप्स डाउन सब उसी चीज़ से भरा है पूरी लाइफ ही ऐसी भरी हुई है मतलब बहुत ब्यूटिफुल भी है और बहुत गड़बड़ भी है फिर ब्यूटीफुल है फिर गड़बड़ है लेकिन जब गड़बड़ वाला फेज होता है तो हमें अपने आप को ही यू नो you know, अपलिफ्ट करना होता है कि हम मतलब मतलब जैसे अंधेरा है तो उजाला भी आएगा करेक्ट तो उजाला है तो अंधेरा भी आएगा राइट right? अगर आपको आ, मैं कैसे समझाऊँ अगर आपको आ, उस पा, पानी पीने में ना ज़्यादा मजा कब आएगा जब आपको बहुत प्यास लगी हो करेक्ट मतलब प्यास लग आप बहुत सैड कभी लाइफ में हर कोई जाता ही है यार सैड जोन में हर कोई आई एम टॉकिंग अबाउट सैड जोन नॉट डिप्रेशन ओके सो लेकिन वो सैड जोन से ही आप बाहर निकल जाओ एंड uh, सब हो जाता है यार बस अब वही बात अगर मैं एक एक इन शॉर्ट वन लाइन में एक बात बोलना चाहूँगी तो वो ये है कि अगर हम दूसरों का भी दुख दर्द समझें देखें तो समझ में आएगा कि अपना दुख तो यार कुछ भी नहीं है अपनी तकलीफ़ें तो यार कुछ भी नहीं है लोगों की लाइफ में कितना कुछ हो रहा होता है हमसे भी ज़्यादा हम बस यही सोच के रह जाते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है मेरे साथ ही क्यों भगवान आपने ऐसे क्यों कर दिया वैसे क्यों कर दिया तो लगता है बट ठीक है थोड़ा टाइम कुछ चीज़ों के लिए टाइम देकर बस उस चीज़ से बाहर निकल जाओ दैट्स इट एंड uh, बस और और हाँ प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए यार कौन से टॉपिक पे आप मुझे आपसे बात करनी चाहिए पता मैं किसी को किसी की बात सुन के नहीं मैं जो मुझे जिस दिन जैसा फील हो रहा था मैं उसी दिन उसी टॉपिक पे बात करके आप लोगों के लिए व्लॉग बना देती हूँ तो इससे पता क्या होता है मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं आप लोग मैं कुछ बातें कर रही हूँ अपनी बातें बाहर रख रही हूँ शेयर कर रही हूँ और एक चीज़ और आ, मैं ये भी करना चाहूँगी कि मैं बुक में ना कुछ कुछ लिखती हूँ तो आपको जो चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा हो तो सब अपनी बुक्स पर एक लिख दिया करो एंड आई एम श्योर धीरे धीरे जब आप, आप लाइफ में कुछ सालों के बाद जब वो पन्ने वापस पलट के देखोगे ना तो वील बी सरप्राइज कि अरे मैंने ये लिखा तो ये हुआ अरे ये भी मैंने हाँ ये तो मैंने लिखा था और यही हुआ सो इट्स लाइक दैट सो थैंक यू सो मच एंड मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड बी हैप्पी लाइफ इज़ ब्यूटिफुल बी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग ठीक है सो आई लव यू ऑल